हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आम बीमारी हो चुकी है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किडनी की पथरी हो गई है। तो आज हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किडनी की पथरी क्यों हो जाती है, और उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी कुछ लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों में किडनी में स्टोन हो जाता है। तो वो स्टोन छोटा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी किसी के वो स्टोन काफी बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन कराने तक की नौबत आ जाती है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा अपने डेली रूटीन लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग उस बीमारी के नजदीक ना पहुंच सके, क्योंकि जब हो जाती है और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं हम लोगों को पता चलता है कि किडनी का स्टोन है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग ने ऐसा क्या किया था जो किडनी की पथरी हम लोगों के हो गई, हम लोग ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आप क्या करते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पानी पीना चाहिए। पानी कम पीने से ये समस्या ज्यादातर उन लोगों को होती है जो पानी जरूरत से कम पी रहे हैं, मतलब अगर प्यास नहीं लग रही है उनको तो बिल्कुल वो पानी पी ही नहीं रहे हैं। और दूसरा दोस्तों इसलिए उनके भी ज्यादा होती है जो लोग टॉयलेट को रोक के रखते हैं। आपको जब भी टॉयलेट फील हो आप तुरंत जाके उसको करिए। आप जो ज्यादा से ज्यादा रोक के रखेंगे, अब जैसे विंटर आ रहा है तो विंटर में और ज्यादा आती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी चले जाएंगे अभी चले जाएंगे, ये जो हैबिट है उसको बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए। जब आपको फील हो रही है आप तुरंत यूरिन पास करिए, वरना यही होता है बाद में जाके वो किडनी की स्टोन बन जाता है वो, और हम लोगों को पता नहीं चलता है। ये बीमारी बाद में पता चलती है, वो धीरे धीरे बनती रहती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। हमारी बॉडी हाइड्रेट ऐसे ही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा आप टॉयलेट जाएंगे और जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो बैड सब्सटेंस हैं वो सब बाहर निकलेंगे और कोई भी इकट्ठा नहीं होने पाएगी, कोई भी बुरी चीज आपकी बॉडी में। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पानी पीजिए। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि अगर किडनी की स्टोन आप में हो ही गया है तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं और क्या क्या उपाय करके आप स्टोन को बाहर कर सकते हैं, यूरिन से पास कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय आपको बताएंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि कोई एक ऐसा उपाय जिससे आप अपनाते रहें, आसान सा उपाय। उपाय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक आसान सा उपाय। और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि अगर किडनी की जो स्टोन है वो 10 mm से कम है तो आप उसका ऐसा इलाज कर सकते हैं इधर उधर वाला आसान सा, लेकिन अगर 10 mm से ज्यादा की आपकी स्टोन हो गई है तो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज हमारी बॉडी में बनना जो भी इतनी हार्ड होती है, ऐसी कोई चीज हमारी बॉडी में बनना कहीं से भी सही नहीं है। तो आप और एक बात और है कि आप उसे पहचानेंगे कैसे कि आपके पेट में दर्द, पेट दर्द तो कई तरह का होता है, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे कि किडनी का दर्द कौन सा है, किडनी में जब स्टोन है तो उसका दर्द कौन सा है? तो वो एकदम अचानक से होता है, वो कभी भी हो सकता है, रात में भी दिन में भी कभी भी वो पेन आपके हो सकता है और बहुत भयानक होता है वो पेन। तो वो पेन ऐसे होता है, मैं आपको बताती हूँ, वो पेन यहाँ से ऐसे लगता है, यहाँ होता है और थोड़ा पीठ में होता है ऐसे बैक साइड में और आधा नाभि के इधर, और जिसके इस साइड किडनी में अगर स्टोन होगा तो उसके आधा इधर और आधे पेट में ऐसे दर्द होता है। तो इसे आप पहचान सकते हैं कि आपके किडनी का स्टोन है। और दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपको वॉमिटिंग होने लगती है, बिल्कुल आप चल नहीं पाते हैं, बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती है और बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दर्द बढ़ जाता है कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जब वो एक प्रॉपर दवाई आपको दे देते हैं तो उसके बाद वो स्टोन फिर से ना बने, उसके लिए आपको कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं, नहीं तो वो फिर से बनने लगता है, क्योंकि किडनी का स्टोन ऐसा ही होता है वो फिर से बनने लगता है। तो आपको इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने हैं, खूब सारा पानी पीना है, पानी पीते रहेंगे बैड सब्सटेंस निकलते रहेंगे, और टॉयलेट को रोक के नहीं रखना है, और प्रोटीन और कैल्शियम वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी है, एकदम बंद भी नहीं करनी है कि आप सोचें कि एकदम बंद कर देनी, बंद भी नहीं करनी, क्योंकि प्रोटीन कैल्शियम हम लोग की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको लेकिन जो जिसमें बहुत ज्यादा हो, जैसे आप मीट मछली एग बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा कम कर देना है, और कैल्शियम वाली चीज जैसे पालक है पालक नहीं खानी, और बीज वाली चीजों से आपको बचना है, जैसे बैगन होते हैं बैगन में बीज होते हैं, ज्यादा बीज वाले बैगन ना खाइए, कोई भी बीज वाले आइटम है तो आप उनको बीज का पोर्शन बीज वाला हिस्सा निकाल दीजिए,
तब उसे खाइए। अगर ये सब उपाय आप करते रहेंगे, थोड़ा एहतियात बरतेंगे, तो आपका स्टोन अगर हो गया है तो वो फिर भी ठीक रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं उस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ है जिसे पीते रहने से आपकी किडनी में आराम रहेगा, आपके दर्द नहीं होगा और स्टोन धीरे धीरे पिघल के बाहर निकलता रहेगा। ओके, तो फिर आगे वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस रेमेडी की जो हमारे किडनी के स्टोन को गलाने में सहायक है, तो वो है नींबू। नींबू सिर्फ वजन घटाने के लिए ही नहीं बल्कि किडनी की पथरी दूर करने के लिए भी सहायक है। प्रतिदिन नींबू के रस या खट्टे नींबू पानी का सेवन करने से पथरी बनने की दर कम हो सकती है। अन्य बीमारियों की तरह गुर्दे की पथरी भी बहुत पीड़ादायक होती है। पथरी एक छोटा और कठोर जमाव है जो गुर्दे में बनती है। इसके कारण टॉयलेट करने के समय दर्द होता है, पेट के एक साइड में भी दर्द हो सकता है, थोड़ा सा पीठ में। यह पथरी की तरह सख्त होती है, पत्थर की तरह सख्त होती है। खनिज और अम्लीय लबड़ों का जमाव आपस में चिपक जाता है और एक बड़ा आकार ले लेता है। पहले छोटा रहता है, फिर वो एक बड़ा आकार लेने लग जाता है और इसकी अनदेखी करने पर यह पीड़ादायक हो जाती है। नींबू में साइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। साइट्रेट कैल्शियम क्रिस्टल को बनाने से रोकता है जिससे गुर्दे की पथरी नहीं बनती है, और अधिक मात्रा में नींबू का सेवन करने से छोटी पथरी शरीर से बाहर निकल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों एक टैबलेट आती है, वो आयुर्वेदिक टैबलेट है, उसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक दवा का तो वैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता। उसका नाम है नीरी। वो टैबलेट आपके किडनी के स्टोन को गलाने में सहायक होती है। वो इंडियन कंपनी द्वारा ही बनाई गई है, जड़ी बूटियों से निर्मित वो गोली है। उसमें एक पत्ते में 30 टैब होती है और इसको पथरी के गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे टॉयलेट में आपके जलन हो रही है टॉयलेट करने में, तो इसके लिए भी उसे यूज़ करें, फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारा पानी पीना है और इससे पथरी टूट टूट के बाहर निकल जाएगी और इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में ये गोली आपको नहीं खानी है, तो जो महिलाएं दूध पिला रही हैं छोटे बच्चे को, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें, और 8 साल से कम के बच्चे इसे यूज़ ना करें, और गर्भवती महिला को भी इसे यूज़ नहीं करना है। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और टॉयलेट की जलन को ये बिल्कुल कवर कर लेता है, ये नीरी टैबलेट अच्छी होती है। और इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपका बीपी हाई हो सकता है या आपको बहुत चिड़चिड़ापन सा लग सकता है खाने के बाद, तो आप इसे यूज़ ना करें। वैसे तो नॉर्मली ये आयुर्वेदिक दवा है, साइड इफ़ेक्ट इसका होता नहीं है, बट अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है तो आप इसे यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह से इसको यूज़ करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।